देखो सोचा संडे है, सुबह उठ गए हैं तो वॉक पे चलना चाहिए, और हम जाएंगे वॉक पे क्योंकि सुबह है, संडे है, मौसम अच्छा है, और चाय ना कॉफ़ी इसमें पानी, सुबह सुबह पानी पीना चाहिए, तुम भी पियो। ये उत्तराखंडी, हम चले दक्षिणेश्वर की ओर। हाँ, मैंने कहा था वॉक पे जाने का समय, तो हमने ये थोड़ी बताया था कि कैसे जाएंगे वॉक पे। सर्च करो दक्षिणेश्वर किधर है रे बाबा, दक्षिणेश्वर टेंपल जाएंगे, लिखो। देखो सर्च, मतलब मैंने पहले सर्च किया था, ऐसे तुम लोगों को पता चल जाएगा। सर्च करो, 34 मिनट का रास्ता, 34 मिनट से पहले पहुंचाएंगे हम, 20 मिनट में जाएंगे हम। चलो स्टार्ट करो अपना रास्ता। चलो पैदल चल रहा हूँ, गाड़ी चाहिए, गाड़ी आ गई, रास्ते सीधे सीधे जाएंगे रे बाबा। ये देखो गड्ढे भी आएंगे रे बाबा, ये लोग देख रहे हैं थोबड़े पे हेलमेट पे ऐसा क्या चिपका के जा रहे थे। अभी हम चले जिस रफ्तार से हम जा रहे हैं, मतलब 16 मिनट बाकी, और इस रफ्तार से अगर जाते रहे तो मतलब हम जल्दी ही पहुंच जाएंगे। हाँ, हमने बीच में कैमरा बंद कर दिया था, फुटेज बहुत लंबी हो जाती है, तो चलो अगर रुके नहीं और रुकने के नाम पे आ गया ट्रैफिक, कोई बात नहीं, इसी ट्रैफिक को चीरते हुए हम निकल जाएंगे ट्रैफिक के बीच से। देखो निकल गए, ये लुंगी वाले चाचा हमारे आगे थे, अभी भी आगे हैं, मतलब स्प्लेंडर में इतना पावर है यार कि आगे आगे चले जा रहे हैं, मस्त बढ़िया है। ये रास्ता पार, फिर एक और लुंगी वाले अंकल डिस्कवर पे, अरे गड्ढा रास्ता अंकल कुछ गिर गया आपका, लुंगी वाले अंकल कुछ गिरा है, उनको देखना ही नहीं है, ध्यान ही नहीं है, उन्होंने कहा गिर गया तो गिर गया, जाओ तुम्हारी मर्जी, तुम गिर जाओ चाहे पड़ जाओ, हमको कोई मतलब नहीं है तुमसे। इनका लुंगी बड़ा अच्छा है यार, तब से चिपका पड़ा है, सामान गिर रहा है, अंकल का लुंगी नहीं खुल रहा है, तो उड़ नहीं रहा है इनका लुंगी, मस्त रफ्तार में अंकल निकाले जा रहे हैं, हम 48 की स्पीड में और अंकल पता नहीं 50-60 पे होंगे, खींच दिया है अंकल ने, मतलब लुंगी है कि पुष्पा, खुलेगा नहीं। ये आ गए हम भाई के इलाके में, कौन सा भाई, जाके देख रिकॉर्ड में किसका नाम आता है, कौन है ये भाई, भगवान है या इंसान है, अरे सैक्रेड गेम्स, अपना भाई रे बाबा, बंटी के छतरी खोलने वाला भाई, इधरिच जलाया था उसने, इधरिच मतलब यहाँ नहीं जलाया था, देखो कचरे के पहाड़ में जलाया था, हम ये बताना चाह रहे हैं कि अपने भाई का इलाका इधर कचरा जला के वो राजा बना था। ये मस्त कचरे का पहाड़ देखने का, उधर उधर ही उधर ही बैठा था भाई, ऐसे अंकल सबसे जा रहे हैं, लुंगी खुल नहीं रहा है। ये देखो टनल में गड्ढा है और गड्ढे में टनल है, मतलब टनल तो खुद ही गड्ढा है भाई, उसके अंदर गड्ढा करने की क्या जरूरत थी। चलो फिर भी गाड़ी चल जाती है, चलने दो, समंदर नहीं है, पौंड है थोड़ा सा, पहुंच गए हैं हम, आगे जाके जाएंगे सीधे सीधे जाने के बाद जाके गोल घुमाएंगे, पहुंच जाएंगे और गोरा मंदिर, पर हम मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे, पर आप नहीं कर सकते क्योंकि मंदिर के अंदर प्रवेश करने का लगता है चार्ज, तुमको ले आ नहीं पाएंगे भाई, सॉरी। तो चलो दर्शन हो गया है और वापस चलते हैं घर की ओर। चलो सब कुछ सेट कर लेना पड़ता है,
कि देखना था ये बगल से गुजरी, कुछ अच्छी चीज़ गुजरी है, अब साइड से गुजर गई, कहाँ गई। चलो सब कुछ चेक करो, कैमरा काम कर रहा है कि नहीं, मतलब फिर आने का कोई फ़ायदा नहीं ना हुआ यार। मतलब ठीक है, दर्शन हुआ, एक फ़ायदे वाली बात है, हम आए थे दर्शन करने, पर तुम लोगों को भी कंटेंट नहीं मिला है बहुत दिनों से, हम बस यूं ही पड़े हुए थे कंटेंट बनाने की, मतलब क्या दिक्कत हो गई थी हमें, कहते हैं कंटेंट देंगे पर देते नहीं हैं। चलो सब कुछ सेट कर लो, काम कर रहा है माइक, काम कर रहा है माइक का पता नहीं चलता, पर चलो कैमरा काम कर रहा है, बड़ा बात यह है। चलो मंजिल की ओर वापस घर। यहाँ आने के बाद मतलब सुकून मिल जाता है भाई, अच्छा लगता है, उतनी लंबी राइड भी नहीं है, मस्त बगल में आ जाओ। चलो ये है रास्ता, मतलब पता नहीं ये शायद ठीक हुआ था पीछे, मुझे इतना अंदाजा नहीं है भाई, लेकिन देखो अभी देखो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और हाँ रैपिड कंस्ट्रक्शन होता है भाई इधर। देखो हम घुसे टनल के बीच में, ये ऊपर हाईवे है, नीचे हमारी गाड़ी है, और हम जा रहे हैं आगे, मतलब कलकत्ता जाने का सीधा रास्ता, यहाँ से हम मुड़ेंगे ब्रिज के आगे जाके हमें मिलेगा दक्षिणेश्वर, दक्षिणेश्वर से हम पीछे आए थे क्योंकि हमारा फ्यूल ख़त्म हो गया था, और ये है बाली ब्रिज, ये बगल में गंगा है कि हुगली नदी है, मुझे सही से कोई पता नहीं है, मतलब मुझे नहीं पता इसके नीचे क्या है, किस चीज़ के ऊपर से जा रहे हैं, गंगा है हुगली है। इधर से तुम राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट, मेरा कन्फ्यूज़न बहुत है यार लेफ्ट राइट का। आवाज़ करो, कर देंगे भैया आवाज़, हम ही तो आवाज़ करेंगे। हाँ यहाँ से लेफ्ट जाओगे तो पहुँचोगे दक्षिणेश्वर, एंड राइट जाओगे, राइट मतलब कि राइट से स्ट्रेट चले जाओगे तो पहुँच जाओगे कोलकाता। बस इसी चीज़ की आवाज़ आ रही थी, मैंने कहा ना कोई स्पोर्ट ये सुपर बाइक के बगल में, यही था यही था। अरे यार टैक्सी दिख रहा है, मतलब ट्रैम्फ गाड़ी अच्छी बनाते हो यार, पर हाँ मेरी फेवरेट में नहीं आती, कोई बात नहीं, फिर भी सुपर बाइक है, अच्छी दिख रही थी। गड्ढा 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 गड्ढा, अरे इतना गड्ढा, गड्ढा में रोड, रोड में गड्ढा, पर जो बोलो थैंक टू कोलकाता पुलिस, मतलब ये अच्छा क्लियर करा दिया इन्होंने रास्ता, इतना गड्ढा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है इधर साइड में, पर जाम नहीं लगता। हाँ थोड़ा मोड़ा स्लो होकर जाते हो, पर क्या ही कर लोगे जल्दी जा करके, पर स्लो होते हो पर ठीक जाते हो, मतलब ट्रक्स आती हैं, गड्ढा है, कार है, पर बाइक में तो सट सट निकल जाओगे। देखो गड्ढे में ट्रक फंसा है, फंसा नहीं है भाई, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, मजाक कर। ये है हमारे जन्म से भी पुरानी गाड़ी, देख रहे हो मतलब आज तक चल रही है एच एम की ये गाड़ी। अरे इसकी बात नहीं कर रहे हैं यार, आगे जब बैठ जा रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, मतलब सोफ़ा है उसका सीट, सीट सोफ़ा बराबर, मतलब आज तक चल रही है, देख काला धुआं दे रही है, पर समझो कब से जिंदा है ये गाड़ी, मतलब मानना पड़ेगा लेजेंड थी, लेजेंड उस समय की राम प्यारी क्यूट सी गाड़ी, सबसे प्यारी एच एम, हमारे इंडियन अच्छा अच्छा गाड़ी बनाते, पर एच एम यार अच्छा अच्छा गाड़ी बनाती थी, अब बंद हो गई हिंदुस्तान मोटर्स, पर जो बोलो सही चीज़ है, क्या चीज़ बनाई थी। देखो तब से मैं ब्लॉग कर रहा था, और तब से मैं ब्लॉग कर रहा था, बकबक बकबक किए जा रहा था, पर अब पता नहीं क्या हुआ, फ़ोन बंद हो गया है, कैमरा स्टार्ट कर दिया हमने, कैमरा स्टार्ट करने की वजह से फ़ोन तो बंद हो गया है, अब पता नहीं कितना रिकॉर्ड हुआ कितना रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो आगे कहानी कैमरे से शूट होगी हमारी, बकबक हम बाद में वॉइस ओवर कर देंगे। चलो तो आने के बाद थोड़ा सा थक गए थे, और अब मन नहीं कर रहा उतना सेटअप करने का, देखो पीछे जो चल रहा है जल्दी दिया हमने, तो थकने के बाद मैं सो गया था। चलो एक घंटा मैंने आगे ड्राइव पीछे ड्राइव करते करते एक घंटा लगभग मैंने ड्राइव किया है आज, तो कोशिश जारी है, और हमने जो सीरीज स्टार्ट किया है ओल्ड रोड न्यू व्हील्स, तो ये चलता रहेगा, हर संडे हम एक राइड पे जाएंगे, एडिट करेंगे वीडियो, जैसा कि मैंने लगा दिया एडिट करने के लिए, पर थोड़ा सा लेट आ रहा है वीडियो, थक गया था, तो स्टे ट्यून्ड। और हाँ कंसिस्टेंसी रहेगी, इस बार हर बार बोलते हैं, इस बार तो रहेगी रहेगी, क्योंकि मोटो ब्लॉग हमने सोचा स्टार्ट करने के लिए, तो कर देते हैं भाई शुभारंभ ओल्ड रोड न्यू व्हील्स ये सीरीज़ का। तो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो भाई, सब्सक्राइब कर दो, ऐसे ही कम है सब्सक्राइबर्स तो कर ही दो, बाय बाय, और पसंद आया तो जरूर बताओ कैसा लगा, बाय बाय।